नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुरु। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक कन्वर्टर, CFL कन्वर्टर है और ये कंपनी का नाम है डिलाइट। तो डिलाइट कंपनी का ये कन्वर्टर है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है कि इसको मैंने खोल कर देखा है कि सब वायर वगैरह ये टूटा हुआ है और फिर ये पूरा टूटा हुआ है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद देखेंगे कि इसका सोल्यूशन हुआ है कि नहीं या और कोई खराबी है। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और इसका कंप्लीट कनेक्शन भी देखेंगे और इसका रिपेयरिंग भी आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अंत तक वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे वीडियो बनते हैं जो कि CFL कन्वर्टर होगा, होम थिएटर होगा, मोटर और भी फैन, इंडक्शन, तो हर चीज़ का हमारे इधर वीडियो बनता है, हम काम करते हैं। तो इसके लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं हमारे वीडियो में, देखते हैं कि पहले हम कनेक्शन देखेंगे और फिर कनेक्शन के साथ हम कनेक्शन डायग्राम भी देखेंगे और उसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है और क्या होता है, कैसे रिपेयरिंग करना है आप देख पाओगे। और इसका जो एक प्रॉब्लम मैं अभी बोल देता हूँ, इसका बैकअप नहीं देता है और फिर इसका चार्जिंग नहीं होता है। तो चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के बाद वीडियो में। गाइस, मेरा ये टूटा हुआ आया है सब कुछ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सर्किट को थोड़ा साइड में रख लेता हूँ और पहले ये वाला कनेक्शन करना है और यहाँ पे, और ये सिर्फ ये फेज वाला वायर और न्यूट्रल वाला वायर ही था और फिर ये सब कुछ खुला हुआ है। तो इसको कनेक्शन हम कैसे करेंगे तो आपको समझा देता हूँ। ये जो पॉइंट जो है इसको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये बीच वाला जो पॉइंट रहता है, ये बीच वाला, ये हमारा इन्वर्टर के लिए, मतलब हमारा जब करंट नहीं रहता है तब यहाँ से फेज निकलता है, ठीक है। यहाँ से फेज निकलता है, जब हमारा करंट नहीं रहता है तो यहाँ से फेज निकलता है। और ये वाला यहाँ पे हमारा क्या होता है, करंट इनपुट कराना है AC। तो इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए पहले हम इसे यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे डाल दिया। तो हमको पता है ये जो नीला वाला वायर है बीच वाला, तो इसमें हमारा क्या होता है, इन्वर्टर जलता है, मतलब करंट जब नहीं रहता है तो ये या इस लाइन से फेज जाता है और ये ग्रीन और येलो दोनों में क्या होता है, करंट जाता है, AC इनपुट होता है। तो इसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे पहले दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला हम ये इन्वर्टर के सभी स्विच में दे देंगे। एक स्विच में अगर हमने कनेक्शन कर दिया तो बाकी स्विच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ से या सभी कनेक्शन में चला जाएगा। अभी बारी आता है हमारा ये वाला वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन वाला वायर है इसको हम डाल देंगे। फेज पे भी डाल सकते हो, न्यूट्रल पे भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम ये फ्यूज़ में डाल देंगे ग्रीन वाला। अभी बच गया हमारा जो येलो हम डाल देंगे इसके सॉकेट में। तो सॉकेट में डालने से पहले सॉकेट में तो न्यूट्रल भी जाना चाहिए ना, तो इसको जॉइंट कर देंगे। इसको आपस में जॉइंट कर देंगे। सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद ये सॉकेट में लगा देंगे।
यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अभी दो ऑयल लेना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ये वाला ख़राब हो चुका है, इसका कंटिन्यूटी दिखा नहीं दिख रहा है या बीच में कहीं ख़राब हुआ है, तो क्या करेंगे हम दूसरा ऑयल लेंगे। यह मैंने दो ऑयल लिया है, तो इसको थोड़ा छील लेंगे। और फिर यह जो स्विच जो नीचे दिया हुआ रहता है, जो इन्वर्टर ऑन होता है, ये कन्वर्टर ऑन होता है, तो इसके लिए ये नीचे वाला स्विच दिया रहता है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे। और यह दोनों इसका सर्किट के इसी पिन में हम जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो मैं जॉइंट करके आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे मैंने लगा लिया है, और दूसरा भी लगा लिया है, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है। तो अभी हम इन्वर्टर को ठीक करेंगे, तो उससे पहले एक छोटा सा ये फेज न्यूट्रल इस वायर का हम कनेक्शन देख लेंगे छोटा सा डायग्राम करके इसको। तो यहाँ पे ये एलईडी वाला पॉइंट समझ लो, यह हमारा सॉकेट है, ठीक है। और फिर ये तीनों पॉइंट है, एक दो, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस है बीच में, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये तीन पॉइंट है। और फिर ये एसी कोट है, ये एसी कोट है, ठीक है। और यहाँ से एक वायर और यहाँ से एक वायर जाता है, ये मान लो हमारा फ्यूज है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूज है, तो इसको कैसे कनेक्शन करेंगे हम अभी देख लेंगे। ये समझ लो, ये फेस का, ये रेड वायर है फेस का, तो ये फ्यूज में लाएंगे, ये फ्यूज है, ठीक है, ये फेज में लगाएंगे, और फेज से एक निकलेगा जो उसको जॉइंट करके कहाँ लाना है आपको, यहाँ पे देना है, यहाँ पे दे दिया है, फ्यूज से निकल कर यहाँ पे दे दिया है। ये जो सर्किट का कनेक्टर है जो है ये वाला, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब तो एक दो तीन, तो ये जो कनेक्टर आप देख सकते हो ये इस कनेक्टर है, तो यह हमने फ्यूज के थ्रू दे दिया है। और एक जाएगा हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को हम यहाँ से ये मान लो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल और ये फेज है, ठीक है, सॉकेट का। तो
तो ये जो न्यूट्रल है ये तो हर बल्ब में जुड़ा हुआ है, और फिर ये यहाँ से आके इसमें लाइट दे देंगे और यहाँ से एक वायर डाल देंगे इसमें, तो हमारा ये वाला फेज या न्यूट्रल न्यूट्रल और फेज, तो फेज न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है। अभी इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम लाएंगे, और फिर यह स्विच लगा हुआ रहता है जो हमारे बल्ब जलाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यह हमारा स्विच है, मान लो ये ऑन है और इस साइड ऑफ है, तो इस स्विच के पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस स्विच में लाएंगे और यह स्विच के थ्रू ये चला जाएगा यह, और फिर बल्ब में न्यूट्रल मिल जाएगा और यह से फ्यूज मिल जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो गाइस मैंने सर्किट खोल कर रखा है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये CFL कन्वर्टर का है, तो ये हमारा बैटरी है, तो बैटरी में लाइन दे देता हूँ। तो देख सकते हैं आप यह हल्का लाइट जल रहा है, और फिर यह बल्ब भी नहीं जल रहा है, यहाँ पे ऑन किया हुआ है सभी, और फिर कनेक्शन भी लगा चुका हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये मेन जो पॉइंट है, तो इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सोल्डरिंग कर दिया हूँ, क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, तो यहाँ से मल्टीमीटर से काम नहीं करेगा, इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट वाले सभी को थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग मार दिया हूँ। तो आपको दिखाते हैं मीटर से चेक करके कि कौन सा क्या ख़राब है। तो मैंने रेडी कर लिया है, अभी आप देख सकते। पहले हम ट्रांसफार्मर का चेक करेंगे, यह कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। ये वाला देख सकते हो आप, यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है बीच वाले में, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। उस साइड देख लेते हैं, इस साइड भी है, ठीक है, सिर्फ ये वाला ख़राब है। तो ये बीच वाला ख़राब है, ये बीच वाला में 220 वोल्ट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि इसका दूसरे के साथ कोई शॉर्ट है कि नहीं, यह शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। और फिर पहले हम ये रिले को चेक कर लेंगे, रिले की इस पॉइंट और इस पॉइंट में करंट जब आता है तभी यह शॉर्ट होता है, मतलब नहीं तो इस साइड से इस साइड होता है, ठीक है। तो अभी यह रिले अच्छा है, यह शॉर्ट कैसा, ये वाला और ये जो रिले देख रहे हो आप, ये रिले का 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, तो जब क्या होता है जब रिले बंद होता है मतलब इस पर डीसी वोल्टेज जाता है, तो ये क्या करता है इधर से उधर इसको कंटिन्यूटी देता है, ठीक है, और ऐसी से इसको रिवर्स करता है। तो अभी तो ये शॉर्ट नहीं है, रिले अच्छा है, रिले अभी तो सही है, और फिर यहाँ से ओके ये जाता है, तो ये हमारा ये जो इंडिकेटर जो है ये फॉल्ट का इंडिकेटर है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि और फॉल्ट क्या है। तो ये प्रीसेट भी चेक कर लेंगे हम, इसका 1 नंबर और 3 नंबर टांगे देख लेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रीसेट का शॉर्ट दिख रहा है, ये प्रीसेट खराब है, शॉर्ट दिख रहा है, तो हम प्रीसेट को चेंज करेंगे और ये ट्रांसफार्मर को निकालेंगे अभी, और फिर क्या प्रॉब्लम है।
तो इसका चार्जिंग भी नहीं देता है। तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे जो एक आईसी लगा हुआ रहता है, ठीक है, 1523, देख सकते हो आप यहाँ पे। वन फाइव टू थ्री ये वाला भी दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा जला हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये वाला डायोड भी, चार्जिंग डायोड भी देख लेंगे, ये शॉर्ट है कि नहीं। हाँ, ये डायोड भी शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप मीटर में कंटिन्यूटी आके ये रुक नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। तो ये डायोड भी शॉर्ट है, मैं फिर भी आपको इस साइड से दिखाता हूँ। यह चार्जिंग का डायोड है, तो यहाँ पे मैंने लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप रीडिंग दे रहा है, रीडिंग जा नहीं रहा है। मतलब हमारा अभी कुल जग मिला के ये प्रीसेट खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है, और फिर ये डायोड खराब है, और फिर ये जो आईसी जो है, ये चार्जिंग आईसी खराब है, TEA1523। तो हम पहले इसको चेंज करेंगे इन सभी को, और फिर आपको ट्रांसफार्मर भी बनाना कैसे है मैं दिखा दूंगा। तो पहले ओपन कर लेता हूँ, प्रीसेट को ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये प्रीसेट है, तो इसको यहाँ पे रख दिया। और फिर अभी ट्रांसफॉर्मर को निकालेंगे, ट्रांसफार्मर का हमने निकाल लिया है, या साइड पे रख लेंगे। और फिर ये आईसी का निकलना है, जो TEA1523। तो इसके पहले ये डायोड को निकाल लेता हूँ, क्योंकि यह थोड़ा जगह साफ हुआ है। तो मैंने ये डायोड भी निकाल लिया है, अभी ये आईसी को निकालेंगे। तो इस आईसी को निकालने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाना है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डायग्राम के थ्रू यह दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चार पॉइंट है, 1 2 3 4, चार पॉइंट में से दो पॉइंट शॉर्टिंग है, एक साथ जुड़ा हुआ है, और दो पॉइंट या शॉर्टिंग है। तो इसको ऐसे हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लेग निकला, ये एक लेग निकला, ये चार लेग निकला है, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे चार निकला है अलग अलग, हम अभी निकालेंगे। तो ये हमारा है, तो इस साइड हमारा एसी वाला साइड है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ के डायोड के थ्रू
यह सीधा कहाँ पे जा रहा है, यह इस कोयल पे। तो इस कोयल का काम क्या है, यह कोयल घुमा के इसको यहाँ से डायरेक्ट एसी मिलता है। तो इस कोयल का काम है कि इसको जो जो भी हमारा जो हम पानी पीते हैं तो पानी को थोड़ा शुद्ध करते करके पीते हैं ना, सेम उसी तरह जो हमारा जो करंट आता है घर में वो अशुद्ध ही होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए ये कोयल जो कॉपर का रहता है, तो ये कोयल में क्या होता है, ये पेच करके इसको करंट को बहुत ही शुद्ध किया जाता है। वो शुद्ध करने के बाद हमारा सर्किट में दिया जाता है क्योंकि सर्किट ख़राब ना हो। तो ये कोयल का बस काम ही ऐसा ही, ये दो पार्टीशन में है, ये देख सकते हो आप, ये इधर घूम के इस साइड से फ्यूज आया, इस साइड में फ्यूज गया, इस साइड का न्यूट्रल आया, इस साइड में गया। तो ये सिर्फ वही काम है और कुछ काम नहीं है। आप कंटिन्यूटी मारोगे तो कंटिन्यूटी अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट में कंटिन्यूटी दिखाता है तो ये कोयल शॉर्ट नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कंटिन्यूटी दिखाता है तो ये शॉर्ट नहीं है। और यह जो दो नंबर वाला है तो यह इसके साथ एक क्या होता है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा हुआ है किस पर, इस आईसी पर, चार्जिंग आईसी पर, ठीक है। और चार्जिंग आईसी यहाँ से ग्राउंड प्राप्त होता है, ग्राउंड, तो यह में ग्राउंड मिलता है, ठीक है। यह जो ग्राउंड होता है ये यहाँ से इसके साथ ये ग्राउंड होता है। तो हम इसका अभी देख लेंगे, तो इसका कैसे होता है देख सकते हो आप। हमने ये एक कोयल बनाया है, ठीक है, ये एक कोयल। तो इस कोयल का कनेक्शन कैसे होता है, ये इस पॉइंट पे जोड़ता है, ठीक है। इस पॉइंट से ये रनिंग करता है, मतलब हम करते हैं कोयल बनाते हैं और जोड़ना इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर हमारा जो एसी वाला है वो सबसे नीचे रहता है और इसका भी सेम यही फंक्शन है, ये ऐसे ऐसे घूम के यह कनेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो, तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है और यह ख़त्म होता है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है। और फिर ये यहाँ से यहाँ हमको कंटिन्यूटी देखना पड़ता है, ठीक है। ये एक नंबर, ये दो नंबर, ठीक है, क्योंकि ये समझ लो एल वन, ये एल टू है, ठीक है। और फिर ये एस वन, ये एस टू है, ठीक है। तो समझ ले सकते हो आप, ये या ऐसे इससे कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो मतलब इस यहाँ पे ब्रेक है, ये वाला यहाँ पे फेज जाता है जो करंट जाता है हमारा, ठीक है। और ये जो एल वन एल टू यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है यहाँ, तो इस साइड का प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इसका प्रॉब्लम है। और फिर ये दोनों वाला का कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पॉइंट क्या होता है, ऐसे ऐसे पेच होके इस पे लगता है, ठीक है। और फिर ये वाला ऐसे ऐसे पेच होके उसमें लगता है। तो आप देख सकते हो, और फिर यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाता है, बाहर आके सर्किट में शॉर्ट हो जाता है और यहाँ से एक निकलता है। तो आपने देख लिया है पूरे अच्छे से। तो मैं अभी ट्रांसफार्मर बना लेता हूँ, ट्रांसफार्मर बना के इसको डाल के और देखते हैं, ठीक है। और फिर जो आईसी निकला है तो आईसी में दिखा देता हूँ आपको, आप देख नहीं सकते क्लियरली, तो मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है TEA 1523, और यहाँ पे एक आप स्पॉट दिख रहे हो ना, तो ये फट गया है, यहाँ पे फट गया है और इसका नंबर है TEA 1523। अभी आपको थोड़ा क्लियर से दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया है। और फिर डायोड को चेंज करना है, ठीक है। तो डायोड को चेंज करना है, डायोड आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, तो मेरे पास ये वाला डायोड है UF 5408, तो इस डायोड से भी काम चल जाएगा, ठीक है, इस डायोड से भी काम चल जाएगा UF 5408, ये वाला डायोड से काम चल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। और फिर हम प्रीसेट जो लेंगे, ये ख़राब है प्रीसेट, इसका नंबर है 102,
तो हम इसका रख के दूसरा वाला लेंगे। तो देख सकते हो ये वाला प्रीसेट है जो कि हमारा 205 प्रीसेट है, तो इसके लगाने से भी हो जाएगा। और फिर मैंने ट्रांसफॉर्मर बना के कंप्लीट कर लिया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, या मैंने सिंबल लगा के फिर भी रखा है आपके लिए परेशानी ना हो, इसलिए देख सकते हो आप यहाँ पे व्हाइट कलर है और यहाँ पे व्हाइट कलर है। तो इस साइड हम बिठाना है इसको, और फिर अच्छे तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा देखा देता हूँ मैं अभी। तो ये वाला जो ये जो दोनों टांगे एक और दो, ये आपस में अभी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, पहले कंटिन्यूटी नहीं था। और फिर ये वाला और ये वाला कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और फिर ये तो कैसा होता है, यहाँ से घूम के ये यहाँ पर लगता है 3 नंबर पे, और ये वाला यहाँ पर घूम के ये 4 नंबर पे लगता है। तो देख सकते हो आप, और ये अगर फट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसे लगाने से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये ब्लैक टिप से पेच करके मैंने यह लगा दिया है, देख सकते हो आप ये टूटा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी इसको लगा लेता हूँ, तो लगाने के बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। और फिर आईसी जो ये आईसी भी लगा लेंगे हम अभी यहाँ पे। मैंने आईसी लगा लिया है, आप देख सकते हो अभी डायोड का भी, इस डायोड का ये जो टांगे है, तो इसको हम रहने देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको यहाँ पे लगाएंगे और लगा के इसको डाल देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हम डालेंगे, तो ये वाला डायोड का वाइट वाला सीधा इस साइड दिखा रहा है, तो यह हम डालेंगे, अच्छे से डालना है, ठीक है। बोर्ड को कोई नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि नुकसान बोर्ड में होगा तो प्रॉब्लम आएगा बाद में। तो डायोड डाल लिया है, अभी डायोड हम लगा देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। और फिर ये जो प्रीसेट है 205, इसको हम भी लगा लेंगे। हमने ये लगा लिया है, अभी हम ट्रांसफार्मर को डाल देंगे। तो ट्रांसफार्मर देख सकते हो आप, ये मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखा है,
और फिर यहाँ पे जम्परिंग था तो ये टूटा हुआ है पहले से, ये जला हुआ था मेरे पास आने से पहले शायद, इसलिए यहाँ पे सोल्डरिंग अच्छे से कर देंगे। और फिर हमारा अभी रेडी हो गया तो हम पहले चेक कर लेंगे इसका, ठीक है। तो पहले चेक करने के लिए हमको मैं ये जो पॉइंट जो है इसको आपस में शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्विच के थ्रू जाता है तो हम स्विच नहीं देखे भी हम चला सकते हैं, तो इसको शॉर्ट कर देता हूँ। यह वाला पॉइंट जो मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो अभी हम लगा के देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा ये जो हमने अभी वायरिंग किया था तो इस आप देख सकते हो, हमने जो अभी वायरिंग किया था पहले क्योंकि इसका वायरिंग नहीं था, तो इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपको लाइन देकर दिखाता हूँ। तो मैं लाइन देकर दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो हमारा ये एलईडी भी जल रहा है और फिर ये भी जल रहा है, ठीक है। और फिर अभी ऑटो काट करके हम देखेंगे कि इसका करंट से चालू होता है कि नहीं होता है। आप देख सकते हो चार्जिंग से भी चल रहा है। आप ये इंडिकेटर में देखिए, इंडिकेटर दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप ग्रीन लाइट जल रहा है, अभी देख सकते हो रेड लाइट जल रहा है। और फिर मैं थोड़ा बल्ब को लाइट को हटा लेता हूँ, अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि कौन से वाला में कौन सा लाइट जल रहा है। तो अभी आवाज़ लोड दिखा रहा है, आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइट जल रहा है, रेड लाइट जल रहा है। तो हमारा चार्जिंग भी हो रहा है और फिर बैटरी से भी चल रहा है, तो हमारा सेट अभी ओके हो गया है। तो हम इसको फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे पास हर तरीके की आपको काम सीखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।